केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात 11 बजे एक दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे। आपको बता दें कि देर रात पहुंचने के बाद अमित शाह होटल ताज लेक फ्रंट में ठहरेंगे। साथ ही 22 अगस्त को इंटर स्टेट काउंसलिंग समेत 5 अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य है जब अमित शाह भोपाल पधार रहे हैं। साथ ही सीएम ने उनके कार्यक्रमों की जानकारी दी है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से वीआईपी आवागमन के समय से 1 घंटे पूर्व यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आज 21 अगस्त की रात में भोपाल पधार रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूँ कि इस बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक कल 22 अगस्त को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है, और इस बैठक में भाग लेने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी भी भोपाल पधार रहे हैं।